टारगेट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग तो टारगेट ही सेट नहीं करते हैं। जब आपकी लाइफ में आपका टारगेट सेट नहीं होता, यू कांट अचीव एनी थिंग। फोकस करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपको क्या काम करना है, वर्क हार्ड। 4 से 6 घंटे की पढ़ाई आपको डेली बेसिस पे करनी है, और वो आप कर सकते हो। 4 से 6 घंटे की पढ़ाई आपको डेली बेसिस पे करनी है। अपना एक टाइम टेबल सेट करो, उसमें सेल्फ स्टडी का टाइम आपको ज़रूर निकालना है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। स्लीपिंग टाइम आपका 6 घंटे का होना चाहिए। डेली जो आप खाना वाना खाते हो वो सब 3 घंटे का। इसके अलावा डेली क्लासेस आपकी, जो थ्योरी क्लासेस है 6 घंटे की, और सेल्फ स्टडी और रिवीजन 4 घंटे का। इसके अलावा PYQs, पिछले सालों के क्वेश्चन आपको बैठ के सोल्व करने बहुत ज़रूरी है, वो 2 घंटे आपको उसमें लगाने। फिर बाकी आपके पास रिलैक्सेशन के लिए 3 घंटे और बचेंगे। सो अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्केड्यूल। आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट होगा ही होगा। सेल्फ स्टडी के टाइम पे जब भी आप पढ़ रहे हो उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, उसके छोटे छोटे से नोट्स बनाओ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के नोट्स आपको जितने काम आएंगे उतनी कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। एट द एंड ऑफ द टाइम जब आपको थ्योरी को रिवाइज करना होता है, 6ठा पॉइंट क्या है, डू नॉट ओवरबर्डन, स्टिक टू द स्केड्यूल। आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, जो आप स्केड्यूल बना के रखे उसको फॉलो करो। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दिन आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे दिन में जो पढ़ा उसको रिवाइज करो, पूरे वीक में जो पढ़ा संडे को रिवाइज करो, पूरे मंथ में जो पढ़ा लास्ट के 2 दिन में रिवीजन करो उसका। रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। तो रिवीजन इज़ द की। डेली आपको ये दिमाग लगा लेना है कि मैं कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन तो सोल्व करूँगा ही। ठीक है, मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ, बट धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाओ। 10 से 20 करो, 20 से 30 करो, एग्जाम के पास आते आते उसे 50, 100 तक में कन्वर्ट कर सकते हो।